हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर की वीडियो में चर्चा करेंगे 1 से 15 जून 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। इस वीक में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में निधन हुआ कृष्ण कुमार कन्नत कौन थे? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़े संगीतकार थे या सिंगर थे। तो आपको बता दें, कृष्ण कुमार कन्नत, इन्हें हम के नाम से जानते थे, जिनका 52 साल की उम्र में निधन हुआ है। हम दिल दे चुके सनम, तड़प तड़प आदि जो गाने हैं वह केकी के द्वारा गाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई स्मारक किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों, ये स्मारक इंदौर में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इंदौर इसका सही आंसर होगा। ऑडिटोरियम का नाम दोस्तों लता मंगेशकर ऑडिटोरियम होगा और यह स्मारक देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में किसने पदक जीता है? तो दोस्तों, इन तीनों ने, यानी रमिता, श्रेया और एना वेलेन, इन तीनों ने वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता है। दोस्तों, इन्होंने डेनमार्क की टीम को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है 8वां। तेलंगाना राज्य ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, तेलंगाना का जो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले, शुद्ध पेयजल आपूर्ति में 1 राज्य है। इसके अलावा ग्रीन कवर बढ़ाने में और किसान कल्याण में भी यह 1 राज्य है। चलिए बात करते हैं तेलंगाना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये तेलंगाना है। तेलंगाना का जो गान है वह जय जय वे तेलंगाना जननी जय कृष्णा, ये गान है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं तिमलीसाई सुंदरराजन हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ का जो पक्षी है भारतीय रोलर है और फूल सेना आली कलता है। वहीं वृक्ष की बात करें तो सुनारिया यहाँ का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भजन सुपारी का निधन हुआ ये कौन थे? तो दोस्तों, भजन सुपारी एक संतूर वादक थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संतूर वादक भजन सुपारी का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, इनकी उम्र 74 साल थी। पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1948 में श्रीनगर में भजन सुपारी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के लिए स्कूल खोले जाएंगे तो इन स्कूलों का नाम क्या होगा? तो दोस्तों, इन स्कूलों का जो नाम होगा वह होगा PM श्री स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा 4th, प्रधानमंत्री या PM श्री स्कूल के नाम से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कहा गया है कि आने वाले 25 वर्षों की रणनीति इन स्कूलों के द्वारा बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य में 2 दिवसीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बात आइए गुजरात की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भारत की मैप में गुजरात की है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं और भूपेन भाई पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं गुजरात में। जय जय गरवी गुजरात ये यहाँ का गीत है। एशियाई शेर स्तनपाई है। ग्रेटर फ्लेमिंगो दोस्तों पक्षी है गुजरात का। वहीं बात करें तो फूल की, तो गेंदा फूल है और बात करें फल की तो आम है। वहीं बरगद पेड़ है गुजरात का। NHI के 2 दिन के रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो NHAI के 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो वर्तमान मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में NHAI के 2 दिन की रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया है। बात आइए NHAI की, तो आपको इसके बारे में बता दें, NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसका फॉर्मेशन 1995 में किया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी चेयरमैन या चेयरपर्सन अलका उपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायो टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। तो ऑप्शन जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ये उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क होगा। किसानों के हित में इस पार्क को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो टॉप रहा है वह हरियाणा रहा है। बात करें कि 2018 में जो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, और इसका जो फिफ्थ आयोजन है यानी अगला जो आयोजन है वह भोपाल में 2022 में किया जाएगा। आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 2022 में 50वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी 50वां सही आंसर होगा। कुछ और आपको बता दें, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इस पर बात होती है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष स्वीडन में किया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम इसलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानती है। यूएन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका पहला आयोजन 1972 में किया गया था। वर्तमान में इसका 50वां आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओनली वन अर्थ 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है। फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन सा बना है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राफेल नडाल के द्वारा 2022 फ्रेंच ओपन को जीता गया है। दोस्तों आपको पता होगा राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, और ये जो फ्रेंच ओपन है वह टेनिस का एक टूर्नामेंट है। आपके अलावा इसके अलावा बता दें कि फीमेल में इसे ईगा स्वैतिक जो पोलैंड की हैं उन्होंने जीता है। दोस्तों राफेल नडाल सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने यानी टोटल जो ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं AFWU, जिनके नाम है AFWU, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रतिवर्ष, और सबसे ज़्यादा जीतने वाले राफेल नडाल ही बन गए हैं। टोटल इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला राज्य जिसने कार्बन उत्सर्जन शून्य के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, झारखंड के द्वारा ऐसा किया गया है। एशिया का यह पहला राज्य बन गया है जहां पर कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दोस्तों एक और फैक्ट आपको बता दें, भारत ने कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए जो लक्ष्य रखा है वह 2070 का रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 4 नए खेल जोड़े गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब ये 4 कौन कौन से खेल हैं तो आपको इनके नाम बता दें। तो पहला है गटका, दूसरा कयार, कलारी पत्थू, तीसरा है थांगटा, चौथा है मलखम्ब। इन 4 खेलों को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है, जैसा कि मैंने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पिछले ही स्लाइड में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा हाल ही में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? तो दोस्तों ये है टर्की। टर्की ने अपना नाम बदला है हाल ही में। दोस्तों टर्की की जो इंग्लिश में स्पेलिंग है उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, और इसे अब तुर्की पढ़ा जाएगा, यानी TURKEY, ये तुर्की नाम रखा गया है नया टर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्कों की नई सीरीज किसके द्वारा जारी की गई है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिक्कों की नई सीरीज जारी की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह सिक्कों की नई सीरीज जारी की गई है। जनसमर्थ पोर्टल भी पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दृष्टिहीनों हेतु ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित किया जाएगा इन नई सिक्कों की सीरीज में। तो ऐसा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ए मणि मखलई को हाल ही में यूनियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। दोस्तों 2019 से केनरा बैंक के ये कार्यकारी निदेशक थे, लेकिन अब यूनियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो दोस्तों FIH हॉकी चैंपियनशिप भारत के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन
डी इसका सही आंसर होगा। भारत ने पोलैंड को हराकर एफआईएच सीरीज अपने नाम की है। दोस्तों बात आई है एफआईएच हॉकी चैंपियनशिप की, तो आपको एफआईएच के बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर लुसान स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। सीईओ थेरी वेल हैं और इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। फूड सेफ्टी इंडेक्स भारत की जो इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। दोस्तों फूड सेफ्टी इंडेक्स का यह चौथा संस्करण है। अगर बात करें यूटी की, तो जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पर है। ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वह हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैं। दोस्तों ये फूड सेफ्टी इंडेक्स है जो वह FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका फॉर्मेशन 2008 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी चेयरपर्सन अरुण सिंघई हैं। दोस्तों तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी चेन्नई है। गवर्नर R.N. रवि हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। भरतनाट्यम यहाँ का राजकीय नृत्य है। मैमल की बात करें तो नीलगिरी तहरी यहाँ का मैमल है। पक्षी पन्ना कबूतर तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है। फूल ग्लोरी योसा लिली ये तमिलनाडु का फूल है। ताड़ का पेड़ राजकीय पेड़ है। वहीं बात करें खेल की, तो राजकीय खेल है कबड्डी तमिलनाडु का। लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्टेट बैंक का नया MD हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन डी आलोक कुमार चौधरी इसका सही आंसर होंगे। दोस्तों बात आई है स्टेट बैंक की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। SBI के नाम से 1955 से जाना गया है। दोस्तों तभी से इसका स्थापना भी माना करते हैं। 1 जुलाई 1955 से SBI की स्थापना मानी जाती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पर्यावरण सूचकांक में भारत का 180वां स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत पर्यावरण सूचकांक में लास्ट यानी 180वें स्थान पर है। वेल्प सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। हाल ही में किसने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है मिताली राज। हाल ही में मिताली राज जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों इनका करियर सबसे लंबा रहा है। 23 साल तक इन्होंने क्रिकेट को खेला है। कुल रन 10,868 बनाए हैं। इन्होंने फर्स्ट मैच 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत की IISc बेंगलुरु का 155वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। QS के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत की IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान दिया गया है। यानी भारत की सबसे जो अव्वल यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड में 155वें स्थान पर है। वहीं बात करें IIT मुंबई की, तो ये 172वें स्थान पर है। IIT दिल्ली 174वें स्थान पर है। बात करें टॉप यूनिवर्सिटी यानी पहले स्थान पर कौन सी है, तो मसाचुसेट्स ये यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। देश में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो ये है महाराष्ट्र। देश में सबसे ज्यादा शुगर उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। ये दोस्तों नई न्यूज है, आपको याद रखना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक था शुगर का, लेकिन अब 2022 में महाराष्ट्र शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है वह 138 लाख टन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों कृष्णा श्रीनिवासन को इन्हें हाल ही में IMF का एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विभाग का निदेशक बनाया गया है। दोस्तों बात आई है IMF की, चलिए आपको इसके बारे में बता दें। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका फॉर्मेशन 1945 में किया गया था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसकी फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जो भारतीय हैं, इन्हें बनाया गया था। अगर बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो प्यारे ओलिवर यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं।
अगर एमडी की बात करें तो आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए पहला कोरोना वायरस का टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भारत में जानवरों के लिए पहला कोरोना वायरस का टीका लॉन्च किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और इनके द्वारा कोरोना वायरस का यह टीका लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, इस टीके का नाम एनो कोवैक्स है और ये ICMR तथा हरियाणा ICAR के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं आईफा अवार्ड 2022 की, जिसका आयोजन अबुधाबी में किया गया था। इसको प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा। इसका 22वां संस्करण है, 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। बेस्ट फिल्म के लिए शेरजाह को अवार्ड दिया गया है, जिसके डायरेक्टर विष्णु वर्धन है। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल को चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन को बनाया गया है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ गायक की, तो जुबिन नौटियाल सर्वश्रेष्ठ गायक चुने गए हैं आईफा अवार्ड में, और गायिका आशीष कौर को चुना गया है। दोस्तों आईपीएल 2022 के बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इसका जो विनर है वह गुजरात टाइटन रहा है। पहली बार ये टीम शामिल की गई थी आईपीएल में और पहली बार में ही इसने आईपीएल 2022 को अपने नाम किया है। वहीं बात करें तो रनर अप की, तो उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। इसका यह 15वां संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जॉस बटलर को चुना गया है, और जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता है या सबसे ज्यादा रन जो बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो जॉस बटलर को ऑरेंज कैप दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को बनाया गया है, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, इस कारण इन्हें पर्पल कैप भी दिया गया है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज गेंद जो फेंकी है वह लॉकी फर्ग्यूसन ने फेंकी है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो टैग है वह इमरान मलिक को दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन एवन लुइस को दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जॉस बटलर को दिया गया है। दोस्तों 2022 के बारे में हमने बात की, अब 2021 के विनर के बारे में आपको बता दें, तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 का विनर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की जून के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।